चलिए मैच चालू कीजिए, तुरंत चालू कीजिए। सुपर ओवर में अगर जो नियम होते हैं, अगर दो बैट्समैन आउट होते हैं तो उनकी पूरी पारी समाप्त होगी। दो बैट्समैन अगर आउट होते हैं लगातार, दो बैट्समैन अगर यानी कि छह गेंदों में दो बैट्समैन आउट होंगे तो पारी समाप्त होगी। सोना धोनी टीम चे नाव घेतलंस का बैट्समैन चे? चलिए सागर भाव में बताए कि कौन बैटिंग करने वाले, नाम अगर आप जानते होंगे तो हमें बता सकते हैं। आगे तीन जो खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं बैटिंग टीम के, तो बॉलर है संतोष नलावड़े। ये सुपर डुपर मुकाबला पैसा वसूल क्रिकेट का ये आखिरी ओवर, सुपर डुपर मुकाबला, सुपर ओवर में मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। इसके बाद मुत्तु नाइक इस बार पहली गेंद पर सीधा 12 एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर जब तक की गेंद को फील करते संदीप, बहुत बढ़िया अंदाज का थ्रो दिया जा रहा है और जब तक की थ्रो आता है काफी अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में लगाई जा रही है। मानो कि ऐसा लगा कि विकेट पर कुछ देर के लिए हिरन की दौड़ हमने देखी खिलाड़ियों के बीच में, एक की जगह पे बैट्समैन ने दो रन दौड़कर पूरे कर लिए है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए बीचेगा ऑफ्टन के बाहर जाकर मारना चाहते थे, विकेट जा सकता है और पहली सफलता मिल रही है। अच्छी गेंद, अच्छा विकेट यहां पर जा रहा है। क्या जबरदस्त कैच वहां पर, कासू कोड़ी ने वहां पर कैच पकड़ा है। यहां के लोकल मैन आखिरी समय पर हीरो बन रहे कासू। कासू कोड़ी ने वहां पर अच्छा कैच पकड़ा। थोड़ी सी कासू काली के लिए देखिए कितनी टालियां बजती है, हमें देखना है कासू कोड़ी ने जो कैच पकड़ा उसके लिए टाली होनी चाहिए। लेकिन मैदान में संघर्ष अभी भी जारी है संतोष। अब अगले बगलेबाज अगर आउट होते हैं तो बारिश समाप्त होगी। यहां पर मुत्तु नाइक बल्लेबाजी करने के लिए मेरे ख्याल से नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक पर होंगे। मैदान में शेर जा रहा है, टाइगर मैदान में मैच देखने के लिए आ रहा है। देखिए मैदान फुलटॉस गेंद, इस बार गेंद को मारा नो बॉल का, शायद स्कोरलेग अंपायर ने इशारा दे दिया। वहां पर दो रन लेने का मौका मिलता हुआ, दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा 4 रन की योग पर। नो बॉल फ्री हिट का, अब सुने रहा मौका हम पर, कह रहे गोल घूम के मारी आप, मौका है आपके लिए। तो सुपर डुपर मुकाबले में फिर से संतोष गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज तैयार है बैटिंग करने के लिए, स्ट्राइक पर है जयराम। तो इस बार ये गेंदबाजी करेंगे, इस बीच ये गेंद ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद, मिट्टल चौहान ने बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर की, ऑफ्टन के बाहर जा रही है गेंद, बैट बॉल का इशारा टीम के लिए दो रनों का इजाफा और इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ते बाद दो गेंदों का खेल पूरा होने के बाद 6 रन बना रही है टीम। एसके बॉयज टीम फ्री हिट कंटिन्यू होगी, यहां पर फ्री हिट कंटिन्यू। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए बीच गेंद मारना चाहते थे गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चले गए। अभी भी यहां पर टीम का रन और गेंदे हो चुकी है केवल 3। सुपर डुपर मुकाबला, सुपर ओवर का मैच चल रहा है। कार्य सम्राट नागठन मत क्षेत्र के लोकप्रिय आमदार जनसेवक जननायक, और इस बार ये गेंद को 12 है, गेंद जा रही है बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन के लिए। तो देवानंद जी चौहान साहब इनके जन्मदिन के मौके पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रही है यहां पर, उसी टूर्नामेंट का ये बहुत ही जबरदस्त मैच है। 4 गेंद और स्कोर है 12 रन।
फिर से संतोष गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की पांचवी गेंद लेकर बैट्समैन स्ट्राइक पर है। बहुत अच्छी गेंद, काफी तेजी के साथ जा रही है गेंद, बैट्समैन को बीट करती हुई विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अब पांच गेंदे और 12 रन यहां पर बन चुके हैं। तो आखिरी गेंद लेकर सुपर ओवर की संतोष बॉलिंग करने के लिए, बहुत अच्छी गेंद, इस बार अपने ही फलत्र में गेंद को रोकना चाहते थे, रोक लिया यहां पर गेंद को। और जब तक की गेंद फील्ड हो रही है और संतोष चले गए वहां पर, देखिए दोनों की रनिंग लग रही है रेसा, और रेस में जीत गए बॉलर संतोष। और जीतने के लिए 14 रन चाहिए उस मैच को जीतने के लिए। मैच ब्यूटीफुल मैच यहां पर चल रहा है, और इस मैच का आनंद लेने के लिए खुद अमदार साहब, कार्य सम्राट अमदार डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब, उनके साथ में उनके लड़के साहब यानी कि अभिनव जी भी यहां पर मैच का आनंद ले रहे हैं, और उनके साथ में तमाम मेहमान यहां पर मैच का आनंद लेते हो, उनका सबका मैं स्वागत करता हूं। तो जीतने के लिए 14 तो यहां पर मैच देखने के लिए खासकर से इंडी से संजय तुकाराम कोळी एबीपी न्यूज के न्यूज रिपोर्टर भी यहां पर आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। वेलकम सर, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। तो अब देखना है यहां पर बैट्समैन किसे कप्तान भेजते चले गए बैटिंग करने के लिए। नितिन मेड़ा, रफीक तालीकोटी, रफीक तालीकोटी स्ट्राइक पर है बैटिंग करने के लिए। 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है, 14 रन माफ करना। तो निश्चित ही आप मैच जीतने के लिए 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत, 14 रन। सिक्स बॉल रिमेनिंग एंड 40 रन टू विन सुपर डुपर मुकाबला। सुपर ओवर का मैच चलता हुआ बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर रफीक तालीकोटी, नो स्ट्राइकर की गेंद पर बैटिंग करने के लिए है नितिन मेड़ा। चलिए जल्दी मैच चालू कीजिए, तुरंत मैच शुरू करना है, देर ना लगाए। दिन के साथ दिन भी ढलता हुआ नजर आ रहा है, अंधेरा होने की संभावना रही है, लेकिन दर्शक अपने जगह से हिल नहीं पा रहे क्योंकि इतना जबरदस्त मैच यहां पर उन्हें देखने मिला है। खच्चा खच भराओ मैदान, स्टेडियम जैसा लग रहा है कि कहीं जाकर जहां पर जगह मिल जाए वहां पर बैठकर दर्शक इस मैच का आनंद और मनोरंजन कर रहा है। यूट्यूब के माध्यम से तमाम दर्शकों का 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ डीएफसी फैंस क्लब की ओर से सब दर्शकों का मैं यहां पर स्वागत करूंगा। डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब, एमएलए साहब की ओर से सबका मैं स्वागत करता हूं। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद मारना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकरा कर गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। अब 5 गेंदे और मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए, 5 गेंदे और मैच जीतने के लिए 13 रन की जरूरत है। क्या जबरदस्त मैच चल रहा है, संघर्ष की कहानी मैच में लिखी जा रही है, कहानी का हीरो कौन बनेगा, लेकिन हीरो बनने की बात दोनों ही टीमें हीरो बन चुकी है पहले ही। हारेगा जीतेगा ये बात तो कोई भी मायने नहीं है, और अक्सर कहा जाता है जीता जो जीता वही सिकंदर, हार कर भी दर्शकों को जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। आज कौन बाजीगर बनेगा, कौन सिकंदर बनेगा, ये हमें देखना है। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार गेंद को खूबसूरत स्ट्रोक खेला, काफी तेज तर्रा स्ट्रोक जा रही गेंद, और वहां पर फील्डर जब तक थ्रो देते हैं और एक ही रन लेने का मौका मिला। अब मैच जीतने के लिए 4 गेंदे और 12 रन चाहिए, 4 गेंदों में कम से कम 2 छक्के 3 चौके या गेंदबाज को केवल 2 गेंदें अच्छी फेंकनी होगी, जाकर तब जाकर प्रेशर बन सकता है बैट्समैन पर। जैसे कि टूर्नामेंट के लिए लाइट टेलीपास करने के लिए यूट्यूब स्पॉन्सर प्रकाश दौड़मणि साहब ने यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप इस बार हाउ वाई गगन चुंबी लाजवाब
ब्यूटीफुल ब्रिलियंट स्ट्रोक निकलता है 6 रन के लिए। ये मैच चल रहा है यहां पर, बार बार मैच में ट्विस्ट यहां पर नजर आता हुआ। तीन गेंद और मैच जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलर तैयार है, मुत्तु नाइक गेंदबाजी करेंगे। बार मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है और निश्चित ही कहा जा सकता है एक तेरी और एक मेरी। आपने छक्का लगा अगली गेंद पर, बल्लेबाज को खामोश रखा वहां पर। अब 2 गेंदे और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए। एक कांटे का संघर्ष चलता हुआ अभी भी मैदान में। आज 7वें चरण पर मैच चलता हुआ, काफी हाई वोल्टेज मैच चल रहा है मैदान में, हाई वोल्टेज का ड्रामा चल रहा है। और यहां पर इस मैच में देखना है 2 गेंदे और ये गेंद को उठाकर बारा देखना, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स के लिए, यानी कि हमारे सम्माननीय तथा आदरणीय आमदार की जरूरत। फिर से वही स्थिति, वही नजारा, एक गेंद 2 रन, कहानी वहां से आ रही है, वहीं पर रुक रही है। जीत देखना है किसे मिलती है। और सुपर ओवर का जो मुकाबला होता है, अगर यहां से और 1 रन जाएगा फिर से सुपर ओवर में मैच आ सकती है। सुपर ओवर का रिजल्ट जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक मैच का रिजल्ट नहीं दिया जाता है। तो लेकिन फिर भी गेंद जो है हमारे आमदार साहब को सलामी देने के लिए आई थी 4 रन के लिए, और आमदार साहब को यहां पर सलामी दी, जन्मदिन का गिफ्ट भी यहां पर निश्चित ही दिया जाता हुआ। आमदार साहब के लिए मैं कहूंगा, आमदार साहब आप जिएंगे हजारों साल, साल के दिन होंगे 50,000। सम्माननीय तथा आदरणीय डॉक्टर देवानंद जी चव्हाण साहब को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो वाचिंग यानी कि 2,000 लोग मैच का आनंद ले रहे हैं। फिर से गेंदबाजी करने के लिए 1 गेंद और 2 रन, अच्छी गेंद पैरों के पास आती गेंद, पहला रन तो तेजी से दौड़ा जा रहा, देखना है देख रहा है दूसरा रन लेने की कोशिश। और रफीक तालीकोटी बन गए हीरो। चलिए मैच किसी ने भी जीता हो लेकिन दर्शकों का दिल ने, दोनों टीम ने जीत लिया यहां पर। हेलो हेलो अबे साउंड कमर आदर्श बेग, एरू टीम कैप्टन आदर्श बेग वेदिके कड़े बरबेकु।